हैं उन्होंने कल रात को जो ट्रेडर्स हैं जो डीलर्स हैं उनके यहाँ पे रात को कल जो है रेड मारा, आम जनता उनको टोमेटो और जो पोटैटो है उसमें प्राइस हाइक देखने को मिलेगी? प्राइस तो नॉर्मल प्राइस ही मिलेगा मैम, हाइक नहीं होने के नहीं। उनका ये भी कहना है कि आज जो है शिप यहाँ पहुँची है तो शायद मार्केट में कल से ये जो जो टमाटर और जो आलू है अवेलेबल होगा। और नमस्कार, मैं हूँ विनीता, आपकी रिपोर्टर न्यूज़ अब तक से। अभी हम यहाँ पे भातु बस्ती के जो सब्ज़ी मंडी वहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि एक हफ्ते से अगर आप देखेंगे अंडमान में जो पोर्ट ब्लेयर में जो है कहीं पे भी आपको आलू और टमाटर जो है पोटैटोज एंड जो टोमेटोज हैं कहीं देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन ऐसा बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे शॉप्स में जो है जो मार्केट प्लेसेस है जो बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे छानबीन करनी है कि कब से नहीं है आलू और जो टमाटर कब से यहाँ अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो कितनी दिक्कत हो रही है। चलिए हम यहीं से शॉपकीपर से बात करते हैं कि कब से कितने टाइम से ये है नहीं और अभी कब वापस इनको ये जो है आलू एंड जो टमाटो है लोगों को बांटने के लिए अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे। अभी हम जो है भातु बस्ती का जो ये जो सब्ज़ी मंडी है उसके अंदर में है। हम यहाँ पे हमने काफ़ी सारी जगहों पे देखा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं उसमें कहीं पर भी हमें आलू और जो टमाटर है वो दिखा नहीं, इसीलिए हम यहाँ के एक जो शॉपकीपर हैं जो उनसे है जानना चाहेंगे, पूछते हैं कि यहाँ पर कब से जो है यहाँ पर सब्ज़ी मार्केट में कब से टमाटर और आलू जो अवेलेबल नहीं है। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ मार्केट में कितने टाइम से अभी आलू और टमाटर अवेलेबल नहीं है? हो गया मैडम, 3-4 दिन हो गए। और अभी इसको लेके आपको कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे टमाटर और आलू नहीं होने की वजह से, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो आ रही है मैडम, तो अभी आज शिप आया तो शाम को मौसम का पीछे आया नहीं अभी तक, शाम को 6-7 बजे तक आना है। सर, आपका क्या मानना है कि अभी जो क्राइसिस हुआ है एक हफ्ते या 3-4 दिन का भी जो आपको अवेलेबल नहीं हुआ है आलू और टमाटर, उसके वजह से आपको लगता है कि प्राइस में इंक्रीज होगा? वो तो हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। अभी हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदारों ने अपना जो है सब्जी का स्टॉल लगा रखा है, बट आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे भी आपको जो है टमाटर और जो आलू है टमाटर और आलू देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। बट शॉपकीपर से बात करने में पता चला कि आज शाम को जो है जो शिप्स हैं वो 6 बजे के बाद मार्केट में जो है टमाटर और आलू पहुँचाए जाएंगे। हम एक और शॉपकीपर से यहाँ बात करते हैं। सर नमस्कार, मैं हूँ न्यूज़ अब तक से। सर, यहाँ पर अभी आपको टमाटर और आलू कब से नहीं मिल रहा है, यहाँ कब से अवेलेबल नहीं है? मिले एक हफ्ता हो गया अभी। इस बारे में आपने जो ट्रेडर्स हैं जो डीलर्स हैं उनसे बात करी? तो शिप नहीं आया इसलिए फ्लैट में आता है अभी। अच्छा, शिप नहीं होने की वजह से नहीं आ रहा है। आपका क्या कहना है अभी कब तक आएगा यहाँ पे? अभी तो फिलहाल आज आने का है, सुना शिप आने से तो कम तो हो जाएगा रेट। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है अभी जो क्राइसिस हुआ है, जनरली क्या होता है कि क्राइसिस होने के बाद कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, आपको क्या लगता है अभी आलू और जो टमाटर का दाम है क्या बढ़ेगा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है? अभी तो आने देने के बाद ही मालूम होगा क्या चल रहा है, जो रोड खुलता तो उसी हिसाब से हम लोग बिक्री करता। न्यूज़ अब तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आपको यहाँ कहीं पे भी जो है पूरे मार्केट में आपको कहीं पे भी आलू और टमाटर नज़र नहीं आ रहा है। आप न्यूज़ अब तक के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जो सब्ज़ी मंडी है पोर्ट ब्लेयर के वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ का भी माहौल दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस जो है क्राइसिस को लेकर जो टमाटर और जो आलू को लेकर जो क्राइसिस हुआ जो एक हफ्ते से नहीं आ रही है, इसके चलते जो DC है और जो सिविल सप्लाईज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कल रात को जो ट्रेडर्स हैं जो डीलर्स हैं उनके यहाँ पे रात को कल जो है रेड मारा और वहाँ से भी कुछ लोगों को पकड़ा है जिन्होंने स्टोरेज में जो है पोटैटो स्टोर करके रखा था। और हमें ये भी अभी जो जैसे शॉपकीपर से बात करने में पता चल रहा है कि जो आज है जो आज शाम को 6 बजे के बाद से जो आलू और टमाटर है मार्केट्स में आ जाएंगे, और उनका ये भी कहना है कि जो वेदर कंडीशंस है उसके ख़राब होने के चलते जो शिप्स जो यहाँ पे जो आलू और टमाटर लाती है वो यहाँ पे नहीं ला पाई है। मैं हूँ आपकी रिपोर्टर विनीता, न्यूज़ अब तक के साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ विनीता। जैसे कि आपको हमने पहले भी दिखाया जब हम भातु बस्ती में थे, आपको वहाँ का मार्केट का हाल दिखाया कि वहाँ पे भी आलू और जो टमाटर है वो उपलब्ध नहीं है, वैसे ही हम यहाँ पे जो बाज़ार में जो रत्ना मार्केट है जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है और बहुत फेमस है, लोग यहाँ सब्ज़ी लेने के लिए काफ़ी आया करते हैं, यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे दुकानों में देखा अभी तक यहाँ पे भी यहाँ पर भी टमाटर और आलू उपलब्ध नहीं है। चलिए हम यहाँ से लोग यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो है ये कब से उनको नहीं यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रहा है। आलू और टमाटर
टमाटर है वो कब से नहीं मिल रहा है। पाँच दिन से हो गया सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीज़न है ये नहीं आने का, कुछ आप बता सकते हो? शिप लेट था उसलिए नहीं आया। शिप लेट अभी लेट हुआ शिप पर, शिप एक हफ्ता लेट हुआ तो उसके बाद से पूरा डिमांड हुआ तो टमाटर फिर फ्लाइट में मंगाए तो फिर 180 बिक्री हुआ, 200 बिक्री हुआ। अभी आप बोल रहे हो कि बिक्री हुआ है, आया है? फ्लाइट में आया था, बिक्री हो गया, खत्म हो गया। फ्लाइट से आया था? अच्छा, कि अभी आप बोल रहे हो कि रेट बढ़ के बिक्री हुआ है? रेट फ्लाइट का तो रेट ज़्यादा ही है, कार्गो चार्जेस लगते हैं तो रेट ज़्यादा ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अभी जो शिप्स जो आता है जनरली उसमें आने से क्या रेट डिफरेंस होता है जनरली? शिप में रेट कम ही रहता है क्योंकि फ्लाइट चार्जेस कम ही लेते हैं शिप में, तो कम अप्रॉक्सीमेटली अभी आने से पता चलेगा, अभी नया जो आते हैं रेट खोलेंगे वो हिसाब से पता चलेगा। आपको कोई इंटीमेशन मिला है जो डीलर्स एंड ट्रेडर्स है कि कब तक यहाँ अवेलेबल होगा? थैंक यू, हमसे बात की। आज शिप आया है, सामान शाम को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। चलिए, मैं ऐसे ही काफ़ी दुकानदार यहाँ पे है उनसे ही बात। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्टॉप में भी अगर आप देखोगे काफ़ी सारी सब्जियाँ उपलब्ध तो हैं, बट यहाँ पे भी टमाटर और जो आलू है यहाँ अवेलेबल नहीं है। अभी हम एक और शॉप में जो रत्ना मार्केट के अंदर है यहाँ आए हैं, इनसे भी बात करके हम पता करते हैं कि यहाँ पे इनको भी कब से अभी तक जो आलू और जो टमाटो है उनकी डिलीवरी यहाँ पे नहीं हुई है और उनको इसके कारण कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये तो एक हफ्ता से माल नहीं है, वो शिप के पीछे ना शिप आया नहीं इसीलिए माल भी बंद हो गया। अगर मैं पूछूं तो ये जो सामान है आता कहाँ है जनरली, कहाँ से आता है, विच प्लेस डज इट कम फ्रॉम? वेजिटेबल। ये जो आलू और जो आपका टमाटर आता है कहाँ से आता है? ये चेन्नई और कलकत्ता से, कलकत्ता। सो आप बोल रहे हो कि शिप के जरिए ही आता है और कोई वे नहीं आने के लिए? और कोई वे नहीं है, सिर्फ शिप में आता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सामने एक और शॉप वाले ने बताया कि फ़्लाइट के थ्रू आया था बट वो जो प्राइस उसमें क्योंकि फ़्लाइट से मंगाया था उसका प्राइस ज़्यादा हो गया। आपको ऐसा कुछ मिला फ़्लाइट के थ्रू आए वाले सामान में से? ये वो फ़्लाइट से आया वाला रेट तो ज़्यादा ही है, इसे ज़्यादा वेलकम लिया नहीं जी। अभी आपको प्रशासन की तरफ से या जो ट्रेडर्स या जो है यहाँ पे जो सप्लाई करते हैं उनकी तरफ से कोई मैसेज मिला है कि कब तक ये जो है मार्केट में अवेलेबल होगा? मार्केट में अवेलेबल कल से अवेलेबल होगा क्योंकि आज शिप आया है, सामान आज मिल जाएगा आपका, कल से अवेलेबल हो जाएगा। सर जनरली हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ की क्राइसिस होती है जब वो अवेलेबल होता है मार्केट में एक थोड़ा सा प्राइस हाइक होता है, आपको क्या लगता है अभी जो क्राइसिस हुआ एक हफ्ता का उसके चलते क्या आपको हमें जो आम जनता है उनको टोमेटो और जो पोटैटो है उसमें प्राइस हाइक देखने को मिलेगी? प्राइस तो नॉर्मल प्राइस ही मिलेगा मैम, हाइक नहीं होने के नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने सुना और बात किया, जब हमने शॉपकीपर से सिर्फ यहाँ नहीं भातुबस्ती में भी काफ़ी सारे शॉपकीपर से बात किया, पता चला कि इस जो क्राइसिस जो पोटैटो और टोमेटो को लेके उससे शॉपकीपर्स को भी तकलीफ़ हुई है और जो आम जनता है उनको भी तकलीफ हुई बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ये आपके जनरल खान पान में जनरली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और हर किसी से बात करने पता चला है कि जो शिप है वो वेदर कंडीशंस की वजह से नहीं पहुँच पाया और उनका ये भी कहना है कि आज जो है शिप यहाँ पहुँची है तो शायद मार्केट में कल से ये जो टमाटर और जो आलू है अवेलेबल होगा और उनका ये भी कहना है कि प्राइस में शायद कोई हाइक ना हो बट ये तो कल ही हमें पता चलेगा। इसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ आप तक के साथ, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर विनीता, कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज़ आप तक से। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।